अज चंडीगढ़ के मेयर सीनियर डिप्टी मेयर डिप्टी मेयर के इलेक्शन हुए काफ़ी वीडियोग्राफी की गल हुई है एडमिनिस्ट्रेशन वालों पूरे इंतजाम किए गए नहीं लॉ एंड ऑर्डर लैके सारे इंतजाम किए गए थे साडे नाल प्रेजाइडिंग ऑफिसर अनिल मिसी मौजूद ने अनिल सर अज के इलेक्शन किस तरह देखते हो देखिए मुझे प्रेजाइडिंग ऑफिसर बनाया गया था इस चुनाव को मेयर के चुनाव को कंडक्ट करने के लिए बाय द अथॉरिटी और आप जैसे आप सभी देख रहे थे वीडियोग्राफी में कि चुनाव बहुत अच्छे ढंग से हमने कंडक्ट किया और सभी जितने पार्षद से बातचीत हुई चुनाव शुरू होने से पहले सबको बड़े अच्छे से बातचीत करी कि हम बिना लड़ाई झगड़े के चुनाव चाहते हैं और पारदर्शिता से चुनाव चाहते हैं और तकरीबन मेरे ख्याल से 11 बैलेट पेपर्स पे ऑब्जेक्शंस लगाई गई थी और आप सब देख रहे थे मैंने उनको एक एक बैलेट पेपर वापस किया जो वो चाहते थे कि जिसपे इसमें कमी है इसमें कमी है और मैंने कहीं पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया उनको ठीक है जब वोट पड़ रहे थे मैंने उनको वापस किए उनके बैलेट पेपर्स उनकी बात पूरी सुनी और नए नए बैलेट पेपर हम उनको इश्यू करते रहे। चुनाव हुआ वोट ऑफ काउंटिंग हुआ जिसमें मेरे ख्याल से 16 वोट्स वोटेड टू द मनोज जी मनोज सोनकर ऑफ आप पार्टी और 12 बीजेपी और 12 वोटे उनको पड़ी हैं अपना आपके कुलदीप जी को और 8 वोटे इनवैलिड थी और वो सारा जो एक जो बाय एक्ट है बाय लॉज हैं जो एमसी के उसके तहत ये सारे चुनाव हुए और बस ठीक है जो उसका रिजल्ट हमने डिक्लेयर कर दिया लेकिन उसके बाद आप पार्टी के कुछ मेरे ख्याल से एक मनोर थे प्रेमलता थी कोई काउंसलर हाँ हाँ और उन्होंने आकर जो बैलेट पेपर्स पे कब्जा किया और बैलेट पेपर्स को फाड़ा भी या शायद फाड़ने की कोशिश की और जब बैलेट पेपर्स फिर वो जो पुलिस के द्वारा नियुक्त मार्शल्स थे और उन्होंने वो बैलेट पेपर्स उनसे छुड़वाए और उन्होंने पूरा एक प्रक्रिया को दखलंदाजी प्रेजिडिंग ऑफिसर की प्रक्रिया को खराब करने की कोशिश करी उसके पूरे इलेक्शन प्रोसेस में इंटरफेयर करने की कोशिश करी और मेरी तरफ से जो बीइंग ए प्रेजिडिंग ऑफिसर व्हाट आई हैव टू डू आई हैव डन। एक लास्ट सवाल है कि एलिगेशन जरूर लगाए कि मैं देखिए लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने और रखने का अधिकार तो आपको लगता है कि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट देखिए मैंने वो जो आपको मैंने अपनी जितनी बात रखी उसमें सारी बात वो कवर हो गई। धन्यवाद। लेकिन जो वीडियोग्राफी हुई है किस तरह से देखते हैं एलिगेशन जो लगा है मैंने कोई वीडियोग्राफी अभी तक देखा ही नहीं आई हैव नॉट सीन एनी वीडियोग्राफी मैंने कोई तो आप किसी तरह से क्योंकि अब कोर्ट जा चुके हैं वो कोर्ट में देखिए हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है सबको अपनी बात रखने का कोर्ट में कहीं भी जाने का पीसी हुई है अभी राघव चड्ढा और पवन बंसल की उन्होंने कहा कि अनिल मसीह पर मामला दर्ज होना चाहिए साफ साफ जो है वो दखल देखिए लोकतंत्र है किसी को किसी के खिलाफ कहीं भी जाके कंप्लेंट करे मैं उसमें क्या टिप्पणी कर सकता हूँ। थैंक यू। बिल्कुल साडे नाल अनिल मसीह प्रेसाइडिंग ऑफिसर सीगे उन्हां वल्लों पूरा यह प्रोसैस जिहड़ा हैगा वो कीता गया ते कई चीजां नूं लैके एलीगेशन लग्या कई चीजां नूं लैके धक्का जिहड़ा हैगा उहदे वी इल्जाम लगे ते हुण देखना होवेगा कि इहदे विच कोर्ट च किस तरह दे एलीगेशन जिहड़े लाए गए ने उहदे विच पिटीशन पाई गई है किस तरह दी चीजां निकल कर सामने आंदी है। चंडीगढ़ तों कैमरामैन विनोद कुमार नाल मनोज राठी न्यूज़ 18।